दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल रंगीन राय, रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्ट। दोस्तों आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, आपके बहुत से डीएम्स और व्हाट्सएप पे, उससे आप मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कितना प्यार है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और आपको जो भी जानना है उसके बारे में लिखते रहिए, मैं आपको बताते रहूँगा। फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने नहीं सुनी हो और शायद सुनी भी हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो बाहर ज़्यादा नहीं आती और बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता। ऐसा ही हुआ था अपने सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के बारे में। राजेश खन्ना जी जब अपनी ऊंचाइयों पे थे, बहुत ही हर जगह राजेश खन्ना राजेश खन्ना राजेश खन्ना होता था, हर फिल्म उनकी सुपरहिट होती थी, 15 से 17 फिल्में सुपरहिट, डुपर हिट, और उसके बाद सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली, क्या क्या होता था। पब्लिक के, लोगों के मन पे वही छाए हुए थे, उनकी एक्टिंग, उनकी बोलने की अदा, उनके डायलॉग बोलने की अदायगी, वो सब छाई हुई थी। लड़कियां तो एकदम पागल थी, कॉलेजियन लड़कियां तो कॉलेज बंक कर करके उनकी फिल्में देखा करती थी, उनके हर शो फुल रहा करते थे। दोस्तों उस वक्त ना कोई था ना कोई होगा, ऐसा ही लग रहा था। और राजेश खन्ना जी के विचार जानते थे कि पब्लिक के लिए, उनके लिए, पब्लिक में उनके लिए क्या छाप है और क्या देखना चाहते हैं। बहुत से प्यारे और बहुत से अच्छे से लवर बॉय की छवि उनके दिल में थी। लड़कियां पागल हो जाती थी, लड़कियां उनके कार के आगे पीछे क्या क्या करती थी, लिपस्टिक के दाग लग जाते थे, और बहुत इतनी इतनी दीवानगी किसी कलाकार के लिए शायद मैंने तो नहीं देखी, क्योंकि उस वक्त मैं भी कॉलेज में था। उनके नाम की, उनके गाने, उनकी फिल्में हम लोग भी कॉलेज बंक करके देखा करते थे। दोस्तों ये सब इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद आदमी अकेला हो जाता है, क्योंकि वो ऊंचाइयों पे सिर्फ अकेला ही पहुंचा है, अपनी मेहनत से वो अकेला पहुंचा है। लेकिन वो सब होने के बावजूद जब उन्होंने शादी की डिंपल कापड़िया से, उनसे वो 17 साल छोटी थी, उनसे जब शादी की, तब लोगों ने एक तहलका मच गया था राजेश खन्ना जी के बारे में, और बहुत सी लड़कियों को तो नाराजगी भी हो गई थी कि उनकी शादी हो गई। और डिंपल बहुत खूबसूरत और बहुत ही उस वक्त की बहुत ही जानी मानी हीरोइन थी, बॉबी फिल्म में वो ऋषि कपूर जी के साथ आई थी, तहलका मचा दिया था राज कपूर की फिल्म ने, और सब बहुत बड़े बहुत ही प्रसिद्धि के झंडे गाड़ दिए थे। दोस्तों डिंपल भी एकदम फेमस थी, उन्होंने भी उस वक्त राजेश खन्ना जी के साथ शादी कर ली। लेकिन राजेश खन्ना ने बाद में जब उन्हें कहा कि शादी के बाद आप फिल्मों में काम नहीं करोगे, मेरा घर संभालोगे, ये सब करोगे, तो डिंपल जी तो इतनी बड़ी फेमस हो चुकी थी, बहुत सी फिल्में उनकी हिट हो गई थी। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई थी सागर, सागर में भी सुपर हिट हुई थी, ऋषि कपूर जी के साथ थी, उनकी जोड़ी इतनी मानी हुई थी कि उनकी एकदम गारंटी थी कि उनकी फिल्म हिट होगी और सुपर हिट होगी। दोस्तों पब्लिक भी उन्हें देखना चाहती थी, तो डिंपल को तो फिल्मों में काम करना था, राजेश खन्ना जी नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे। तो एक दिन डिंपल घर छोड़ के चली गई। आशीर्वाद बंगलो जो कार्टर रोड पे है, अब तो कहा जाएगा था, क्योंकि वो अब बिक चुका है, ले लिया है, और वो वहाँ बिल्डिंग बड़ी होने जा रही है। कार्टर रोड जो कि ये बंगलो जो था, उसके बारे में कुछ बता दूं कि वो बंगलो राजेंद्र कुमार से राजेश खन्ना जी ने लिया था, हाथी मेरे, उसके लिए उन्होंने हाथी मेरे साथी फिल्म में भी की थी उस पैसे के लिए, क्योंकि उस वक्त 3 लाख बहुत ज़्यादा हुआ करता था, 3 लाख में बंगलो लिया था। वो रही बाजू की बात, लेकिन वो बंगलो में जब डिम्पल रहती थी तो डिम्पल ने छोड़ दी थी, वो बंगलो छोड़ दिया था, राजेश खन्ना अकेले हो गए थे उनके साथ, क्योंकि वो इतने प्रसिद्ध थे, तो उनके, जिसे हम इस लाइन में चमचे कहा कहते, वो खुशामत करते रहते थे, उनके आजू बाजू घूमते रहते थे कि काका आपके सिवा और कोई है नहीं, क्यों कि उनको शाम को पार्टी हो जाती थी, शाम को शराब मिल जाती थी, खाना वाना हो जाता था, और राजेश जी को भी चाहिए थे कि उसके आजू बाजू में ऐसे लोग रहे जो सिर्फ उसी की वाहवाही कहे, उन्हीं के बारे में कहे और किसी के बारे में नहीं कहे। लेकिन इसकी वजह से ये हुआ कि उसे सच्चाई क्या थी वो पता ही नहीं चली, राजेश खन्ना जी को भी पता ही नहीं चला कि सच्चाई क्या है, दुनिया में क्या बातें होती है, वो कहाँ पे है। वो सिर्फ उतने घमंड में थे कि मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ, ऊपर आका नीचे काका, ये तो
लोगों के जवान पे चढ़ गया था, लेकिन चढ़ता सूरज किसी न किसी दिन उतरता भी है, झुकता भी है। ये आप भगवान से तो बड़े हो नहीं, आपको नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक गद्दी राजगद्दी नहीं है जो कोई बैठ ही नहीं सकता। उसके बाद अमिताभ जी आए और आपको मालूम ही है अमिताभ जी की वजह से राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन जब ये अकेले हो गए थे, उसकी कहानी मैं बताता हूँ, वो कहानी मेन है। उसकी कहानी यह है कि डिम्पल तो अपना घर छोड़ के चली गई थी, राजेश खन्ना शराब और शबाब में पागल हो गए थे, बस उन्हें कुछ सूझता नहीं था। दिन भर एक कमरे में बंद रहते थे अपने दोस्तों के साथ, रात रात भर महफिलें चलती थी, शराब शबाब खाना पीना सब चलता था। वो सब उनके दोस्तों ने ही, उनके दोस्त कहे ही नहीं जा सके, झूठे दोस्त थे, झूठी तारीफें करते थे, खाना वाना खाते थे, शराब पीते थे और चले जाते थे। उन्होंने सच्चाई कभी उनको बताई ही नहीं और उनको मालूम भी नहीं पड़ा राजेश खन्ना जी को। वो अकेलापन महसूस करते थे, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। उससे पहले भी राजेश खन्ना की जब शादी हुई, उससे पहले अंजू महेंद्र से भी बहुत दोस्ती थी, वो उनको भी दिल दे बैठे थे और उनसे शादी करना चाहते, लेकिन अंजू ने कहा था कि मैं अपनी कैरियर कुछ बना लूँ, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। तो राजेश खन्ना जी, जब उनकी शादी हुई तो वो अपनी बारात अंजू महेंद्रू के घर के बाजू से लेके चले और वहाँ पे 10 मिनट तक अपनी बारात रुकाए रखी, बैंड बाजों के साथ बनाए रखी, म्यूजिक सुनाए रखी, क्योंकि वो अंजू देखे। ये तो उनका एक घमंड था, अभिमान था कि देखो मैंने शादी कर ली है। ठीक है, ये तो वो रखते ही थे, लेकिन अपने सामने और किसी और को कुछ नहीं समझना, ये उनकी एक गलती थी, ये उनको लेके डूबी और अकेले पड़ गए। रोज जो जमावड़ा लगता था उनके घर के सामने, धीरे धीरे बढ़ता चला गया चला गया। लोग जो उनके घर के सामने खड़े रहते थे, घंटों उनका इंतजार करते थे, आज कोई भी नहीं था। प्रोड्यूसरों की लाइन लगती थी, वो भी कोई नहीं था। अकेलापन, सूनापन कैसा लगता है? वो सब जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब उनको मिला अमिताभ के हाथों से, तब उनकी आंखों में झलकता था एकलता, अपनी अकेलापन जो भी था वो सब उनकी आंखों में झलकता था। दोस्तों ये कैसे होता है? ये होता है ऐसे ही, जो कि सच्चाई अपनी आंखों से ओझल नहीं करनी चाहिए, सच्चाई जान लेनी चाहिए कि आज इतने लोग हैं, कल कोई नहीं होगा। तो उस वक्त उन्हें सुसाइड करने का भी मन हुआ था, अपने कमरे में 14 दिन तक उन्होंने बंद करके रखा था, न किसी से बात न कुछ। सब लोग डर भी गए थे कि ये क्या कर लिया है। तो दोस्तों ये होता है सुसाइडल करने का। उनका माइंड एक बार हो गया था कि मैं अकेला हो गया हूँ और मैं अपने आप को मौत के हवाले कर दूँ, लेकिन दोस्तों फिर उन्हें कुछ आशा नजर आई। बाल्की जो एक प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, वो उनके पास एक एड, पंखे की एड लेके गए। तो पंखे की एड में भी उन्हें, तब भी उन्होंने कहा कि मैं अपने डायलॉग्स खुद बोलूँगा। उन्होंने यही डायलॉग्स बोले कि मुझसे मेरे फैंस कोई छीन नहीं सकता। तो दोस्तों ये एक अभिमान की हद थी। तो अकेलेपन, अकेलापन भी अपना था, सफलता भी अपनी थी, सब कुछ अपना था। जब सफलता इतनी मिली थी तो अकेलापन भी तो संभालना ही था। तो दोस्तों ये था एक सुपरस्टार का अंजाम, ये था अकेलेपन का एहसास। तो दोस्तों किसी, बहुत से लोगों को शायद नहीं पता, ये बातें भी लीक नहीं हुई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें खन्ना साहब ने खुद भी कहा था, वो पुराना इंटरव्यू था, कि मैं एक वक्त ऐसा भी आया था, मैं अकेला महसूस कर रहा था और सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों अच्छा हुआ उन्होंने कुछ किया नहीं और इतने बड़े स्टार का उदय हो गया, उदय भी हुआ, अंत भी हो गया, सब कुछ अपनी आंखों के सामने हुआ। तो दोस्तों यही कुछ कहानी थी। आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर लिखिए, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में बांटिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।